नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं अनुज कुमार। आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन मेन हेडलाइंस के साथ। आयुर्वेद फार्मासिस्ट की भर्ती के लिए सरकार ने दी अनुमति, जल्द भरे जाएंगे 100 पद। महंगाई के खिलाफ सीटू का प्रदर्शन, केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों को ठहराया जिम्मेदार। प्रदेश के जलाशयों में 15 जून से 16 अगस्त तक मछली के शिकार पर प्रतिबंध। गृह रक्षकों को जल्द मिलेगी सौगात, बढ़े हुए मानदेय के साथ मिलेगा 5 साल का एरियर। मंडी में युवक ने चाकू से गला रेत कर किया बुजुर्ग का कत्ल, आरोपी गिरफ्तार। जोगेंद्रनगर पुलिस ने 2 किलो चरस के साथ पकड़े कांगड़ा के 2 युवक, पूछताछ तेज। सोलन में कृषि विज्ञान केंद्रों का सम्मेलन, प्राकृतिक खेती का पाठ पढ़ेंगे देश भर से पहुंचे किसान। सेब सीजन के लिए तैयारियां शुरू, कार्टन के लिए कंपनियों से 15 जून तक मांगे आवेदन। और अब आगे बढ़ेंगे विस्तृत खबरों के साथ। आयुर्वेद फार्मासिस्ट के 100 पद भरने के लिए सरकार से अनुमति मिल गई है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद आयुष विभाग ने भी इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब जल्द ही आयोग को इसके लिए रिक्विजिशन भेजी जाएगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब सरकार ने आयुष विभाग को आयुर्वेद फार्मासिस्ट के 100 पदों को भरने के लिए अनुमति मिल गई है। सरकार से अनुमति मिलने के बाद अब आयुष विभाग ने आयुर्वेद फार्मासिस्ट भर्ती के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। फिलहाल सरकार से कैटेगरी वाइज पदों को भरने के लिए अनुमति मांगी है। सरकार से क्लेरिफिकेशन मिलने के बाद विभाग भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देगा। बता दें कि आयुर्वेद फार्मासिस्ट के कुल 100 पदों पर भर्ती की जानी है। इनमें से 50 पद बैच वाइज आधार पर भरे जाने हैं और 50 पद कर्मचारी चयन आयोग की ओर से सीधी भर्ती के आधार पर भरे जाएंगे। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सरकार से क्लेरिफिकेशन मिलने के बाद कर्मचारी चयन आयोग को रिक्विजिशन भेज दी जाएगी। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट अभिभाषण पर चर्चा के दौरान आयुर्वेद डॉक्टर के 200 पद और फार्मासिस्ट के 100 पदों को भरने की घोषणा की थी। इसके बाद हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में इन पदों को भरने के लिए मंजूरी दी गई थी। सरकार से अनुमति मिलने के बाद आयुष विभाग द्वारा भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर सियासी दल इन दिनों कुछ ज्यादा ही सक्रिय नजर आ रहे हैं। चुनावी वर्ष में ये दल सरकार की नाकामियों को जनता के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। बुधवार को माकपा और सीटू ने संयुक्त रूप से महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। देशव्यापी आह्वान पर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी और सीटू ने संयुक्त रूप से देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और लोगों की जीविका के गिरते स्तर को लेकर रैली निकालकर सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। सरकार हाय हाय, महंगाई बढ़ाने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मनरेगा का रोजगार छीनने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इस दौरान सीटू पदाधिकारियों ने कहा कि देश की मौजूदा सरकार ने जो वादे युवाओं के साथ किए थे वह उन्हें पूरा करने में पूरी तरह से विफल रही है। 2014 से पहले वर्तमान सरकार कहती थी कि हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, मगर ये सभी दावे खोखले साबित हो रहे हैं। देश में पिछले 45 वर्षों के मुकाबले बेरोजगारी सबसे ज्यादा हो गई है। दूसरी तरफ महंगाई लगातार बढ़ रही है। इन सभी के पीछे केंद्र सरकार की गलत नीतियाँ हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने इस प्रदर्शन के माध्यम से देश और प्रदेश की सरकार को चेतावनी दी है कि यदि समय रहते इन समस्याओं को हल नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। वहीं सीटू के मुताबिक मोदी सरकार ने इस वित्त वर्ष में मनरेगा के बजट में 25% तक कटौती कर दी है, जिसके परिणाम स्वरूप आज लोगों को मनरेगा में काम नहीं मिल रहा। दूसरे, निर्माण में मजदूरों के लिए 1996 में बने कानून के तहत जो कल्याण बोर्ड से सुविधाएं मिलती थी अब वहां पर भी राजनीतिक हस्तक्षेप से मजदूरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के जलाशयों में हर साल मत्स्य आखेट पर लगने वाले प्रतिबंध को लेकर मत्स्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश के जलाशयों में 15 जून से लेकर 16 अगस्त तक मत्स्य आखेट पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान जलाशयों में 42 कैंप लगाए जाएंगे, जबकि फ्लाइंग स्क्वाड भी निगरानी रखेंगे। पेश है ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के जलाशयों में 15 जून से लेकर 16 अगस्त तक मत्स्य आखेट पर प्रतिबंध रहेगा।
बंद सीजन को लेकर मत्स्य विभाग ने अधिकारियों के साथ मीटिंग कर अगली कार्य योजना को अंतिम रूप दे दिया है। इस दौरान प्रदेश के सभी 5 बड़े जलाशयों कुल 42 कैंप लगाए जाएंगे, जिनके माध्यम से जलाशयों में शरारती तत्वों पर पैनी नजर रखी जाएगी। इसके साथ ही जलाशयों में फ्लाइंग स्क्वाड भी पूरी निगाह रखेंगे। पहले हर वर्ष 1 जून से लेकर 31 अगस्त तक मत्स्य आखेट पर प्रतिबंध रहता था, लेकिन मौसम में आए बदलाव को ध्यान में रखते हुए पिछले साल से मत्स्य विभाग ने इस शेड्यूल में आवश्यक बदलाव किया है, जिसकी सरकार से अनुमति लेकर व्यवस्था लागू की है। खास ये है कि प्रदेश के सभी 500 जलाशयों में 42 कैंप लगाए जाएंगे, जिसके तहत बिलासपुर की गोविंद सागर झील में 17, कांगड़ा के पोंग डैम में 17, चंबा के चबेरा डैम में 3, कांगड़ा की सीमा पर रणजीत सागर डैम में 2 और बिलासपुर के कॉल डैम में 3 कैंप शामिल हैं। इन कैंप के माध्यम से बंद सीजन में जलाशयों की निगरानी की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के गृह रक्षकों को अब 26,492 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। गृह विभाग ने मानदेय बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी है। ऐसे में दैनिक मानदेय बढ़ने से प्रदेश के 6,000 गृह रक्षकों को लाभ मिलेगा। उनका दैनिक मानदेय 675 से बढ़ाकर 883 रुपए किया गया है। गृह रक्षकों को बढ़े हुए मानदेय के साथ 5 साल का एरियर भी मिलेगा। प्रदेश के गृह रक्षकों को अब 26,492 रुपए प्रति माह वेतन मिलेगा। इसके साथ गृह रक्षकों को 1 जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 तक का एरियर भी दिया जाएगा। गृह विभाग ने होमगार्ड का मानदेय बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी है। गृह विभाग की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार गृह रक्षकों को बेसिक पे 20,200 रुपए, न्यू पे मैट्रिक्स के तौर पर 31% डीए और 30 रुपए का धुलाई भत्ता दिया जाएगा। जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 तक के बकाया का भुगतान सरकार द्वारा नियमित समय से निर्धारित तरीके से किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने गृह रक्षकों का दैनिक मानदेय 675 रुपए से बढ़ाकर 883 रुपए प्रतिदिन कर दिया है। इससे प्रदेश के लगभग 6,000 गृह रक्षक लाभान्वित होंगे। इससे पहले गृह रक्षक जवान प्रतिमाह 20,258 रुपए प्रतिमाह मानदेय प्राप्त कर रहे थे और इस बढ़ोतरी के उपरांत अब उन्हें 26,492 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस तरह उनके मानदेय में प्रतिमाह 6,234 रुपए की वृद्धि सुनिश्चित होगी। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। हिमाचल प्रदेश की शांत वादियों में भी इस तरह की वारदातें अब बढ़ने लगी हैं। ऐसा ही एक वाकया जिला मंडी में पेश आया है, जहां एक नौजवान ने बुजुर्ग की हत्या कर दी। पेश है ये रिपोर्ट। मंडी जिला के पंडोह क्षेत्र की ग्राम पंचायत धुआ देवी में मंगलवार की रात को 19 वर्षीय युवक ने 61 वर्षीय वृद्ध की चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी। घटना मंगलवार रात करीब 8:30 बजे की बताई जा रही है। पंडोह पुलिस चौकी की टीम SHO मंडी की अगुवाई में देर रात को 10:30 बजे घटना स्थल पर पहुंची, जहां क्षत विक्षत पड़े बुजुर्ग के शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्त में ले लिया है। जिस तेज धार चाकू से युवक ने बुजुर्ग का कत्ल किया था, उसे भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग पिछले 15 वर्षों से आरोपी की जमीन के साथ ही बनाए शेड में रहता था। वह लोहारगिरी का कार्य करता था। वह बहुत ही ईमानदार और मिलनसार था। हालांकि मृतक का अपना स्थायी घर 2-3 किलोमीटर दूर चडेह नामक गाँव में है। उसने शादी तक नहीं की थी। वहीं आरोपी मजदूरी करता है और गांव वालों का कहना है कि वह मानसिक रूप से परेशान रहता है। कुछ लोगों का कहना है कि आरोपी युवक बुजुर्ग को अपने गांव जाने के लिए अक्सर तंग करता था। शायद इसी को लेकर बात इतनी बढ़ गई कि युवक ने बुजुर्ग से चाकू से गला रेत कर हत्या कर दी।
वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष शर्मा ने मामले की पुष्टि की है। प्रदेश में नशा माफिया के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। आए दिन नशा तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में जोगेंद्रनगर पुलिस ने चरस के साथ जिला कांगड़ा के दो युवकों को पकड़ा है। पुलिस ने दोनों से पूछताछ शुरू कर दी है। पेश है ये रिपोर्ट। जोगेंद्रनगर में पुलिस की स्पेशल टीम ने नशे के दो बड़े सौदागरों को धर दबोचने में कामयाबी हासिल की है। उनसे 2.20 किलो चरस पुलिस की स्पेशल टीम ने बरामद की है। मंडी पुलिस की स्पेशल टीम में शामिल पुलिस के मुख्य आरक्षी अश्विनी शर्मा व अजय बरवाल ने इनोवा गाड़ी में नशे की बड़ी खेप ले जाने पर दो चरस तस्करों को सलाखों के पीछे धकेला है। गिरफ्तार किए युवकों की पहचान 34 वर्षीय सुनील दत्त निवासी नहरे तहसील जवाली व 32 वर्षीय आनंद निवासी पपलोह तहसील फतेहपुर जिला कांगड़ा के रूप में हुई है। चरस की बड़ी खेप बरामद होने के बाद पुलिस ने मुख्य चरस तस्कर की धरपकड़ भी शुरू कर दी है। साथ ही NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर चरस तस्करी में इस्तेमाल इनोवा कार को भी कब्जे में ले लिया गया है। पुलिस थाना जोगिंद्रनगर के प्रभारी प्रीतम जरियाल ने इसकी पुष्टि की है। प्रदेश में शुरू की गई प्राकृतिक खेती को अब देश के अन्य राज्यों के किसान भी अपना रहे हैं। खेतीबाड़ी की इस विधि को देश के प्रगतिशील किसानों तक पहुंचाने के लिए नौणी में भारत के कृषि विज्ञान केंद्रों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। भारत के कृषि विज्ञान केंद्रों का 12वां राष्ट्रीय द्विवार्षिक सम्मेलन 2022 पहली और 2 जून को डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन के शुभारंभ पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुख्य अतिथि के रूप में इस सम्मेलन में ऑनलाइन जुड़े, जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विशेष अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल हुए। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत कार्यक्रम की अध्यक्षता की। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देश भर से आए वैज्ञानिकों को प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक करना है। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सम्मेलन के दौरान लगाए गए विभिन्न राज्यों से आई प्रदर्शनी का जायजा लिया। वहीं प्रदर्शनी लगाने वाले लोगों से जाना कि किस तरह से हिमाचल के साथ साथ अन्य राज्यों में प्राकृतिक खेती से बेहतर कार्य किया जा रहा है। कुछ दिन बाद प्रदेश में सेब सीजन शुरू हो जाएगा। इसके लिए HPMC ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सीजन के दौरान बागवानों को जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वह है सेब कार्टन। ऐसे में उनकी मांग को पूरा करने के लिए HPMC ने कंपनी से आवेदन मांगे हैं। सबसे कम रेट वाली कंपनी से कार्टन खरीदा जाएगा। पेश है ये रिपोर्ट। सेब सीजन के लिए HPMC ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बागवानों के लिए सेब कार्टन की मांग को पूरा करने के लिए HPMC ने कंपनियों से आवेदन मांगे हैं। कंपनियां 15 जून तक HPMC में कार्टन की उपलब्धता को लेकर आवेदन कर सकती हैं। निगम को जिस कंपनी के रेट सबसे कम प्राप्त होंगे उस कंपनी को इस बार कार्टन के लिए सप्लाई ऑर्डर जारी किया जाएगा। प्रदेश में ऑन रिकॉर्ड 15 जुलाई से सेब सीजन शुरू हो रहा है। हालांकि लोअर बेल्ट का सेब जून के मध्य में ही मार्केट में आना शुरू हो जाता है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में जुलाई में सेब सीजन शुरू होगा। ऐसे में निगम ने कंपनियों से सेब कार्टन की आपूर्ति के लिए आवेदन मांगे हैं ताकि बागवानों को समय रहते कार्टन उपलब्ध करवाई जा सके। दावा किया जा रहा है कि निगम बागवानों को बाजार से कम कीमत पर कार्टन उपलब्ध करवाएगा। TMT प्लस वाटर टैंक की दीवारें मोटी परत की होने के कारण मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रीम सर्दी या गर्मी में भी वाटर टैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। प्रदेश भर की कुछ बड़ी खबरें चलते चलते में। चिंतपूर्णी मंदिर में तैनात गृह रक्षकों ने पत्नी और बेटी के सामने पीटा व्यक्ति, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। नालागढ़ में मानवता शर्मसार, 8 साल की मासूम से 6 महीने तक दुराचार करता रहा पड़ोसी, बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर हुआ मामले का खुलासा। मंडी के धनोटू में कार बाइक की टक्कर, बाइक सवार युवकों की हालत गंभीर, कार चालक मौके पर ही गिरफ्तार। और HRTC कर्मचारियों को जुलाई से मिलेगा नया पे कमीशन, छठे वेतन आयोग के अनुसार आएगी जुलाई महीने की सैलरी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए दिव्य हिमाचल TV।